संसदीय इजलास तो पहला हुई अहम ऑल पार्टी मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग च हिस्सा नहीं लिया। कती पार्टियां दे 42 आगुआ ने वक वक मुद्दे चुके। एमएसपी ते गारंटी लई संसद च कानून लियाउण दी मंग चुकी गई। विरोधी धिरां वल्लों महंगाई दे मुद्दे ते चर्चा दी भी मंग चुकी गई। तुहानूं दस दईए कि कल तो संसद दा सरद रुत इजलास शुरू होण जा रहा है। संसदीय इजलास तो पहला अहम ऑल पार्टी मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग हालांकि हिस्सा नहीं लिया। कती पार्टियां दे 42 आगुआ ने वक वक मुद्दे चुके। इस दौरान एमएसपी ते गारंटी लई संसद च कानून लियाउण दी मंग चुकी गई। विरोधी धिरां वल्लों महंगाई दे मुद्दे ते चर्चा दी भी मंग चुकी गई। तुहानूं दस दईए कि कल तो संसद दा सरद रुत इजलास शुरू होण जा रहा है। तस्वीरां साडे दर्शक देख सकते ने। संसदीय इजलास तो पहला अहम ऑल पार्टी मीटिंग हुई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग च हिस्सा नहीं लिया। कती पार्टियां दे 42 आगुआ ने वक वक मुद्दे चुके। इस दौरान एमएसपी ते गारंटी लई संसद च कानून लियाउण दी भी मंग चुकी गई। इस दे नाल ही विरोधी धिरां वल्लों महंगाई दे मुद्दे ते चर्चा भी। 700 लोग किसान जो बॉर्डर पे उनका देहात हुआ है या वो मर चुके हैं, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये हम सभी लोगों ने डिमांड किया है। और बाकी के विषय, चाहे वो चाइना का एग्रेशन हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, और ये सारी चीजें वहां पर हमने चर्चा की। उसको उन्होंने ये कहा जो बिल कम से कम अब उनके सामने एक 33 बिल है, उसमें से बहुत से बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम देखेंगे कि कौन से कानून वो स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे या कौन से विषय पर वो चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मानेंगे, ये तय कल हो जाएगा। फिर सारी चीजें हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संसदीय इजलास तो पहला अहम ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इससे ज्यादा अपडेट दिल्ली सानना हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, संसदीय इजलास तो पहला अहम ऑल पार्टी मीटिंग हुई, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस शामिल नहीं हुए। विपक्षी दलों के वल्लों किस मुद्दे से सब तो ज्यादा फोकस रहा? देखो, आज ऑल पार्टी मीटिंग की गई क्योंकि हर संसद के इजलास तो पहला ऑल पार्टी मीटिंग की जाती है उससे नु लेके। लेकिन इस बार की ऑल पार्टी मीटिंग इस करके ज्यादा खास मनी जा रही है क्योंकि किसानी मुद्दे से सरकार पीछे हटी है। विपक्ष यह सब कोशिश करेगा किसानी मुद्दे से ही सरकार को घेरिया जाए। नाल ही महंगाई एक बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आज भी यही मुद्दे संसद खूब गूंजे, लेकिन सब तो ऑल पार्टी मीटिंग ज्यादा गूंजे। लेकिन असं अपने दर्शकों को एक खास गल दस दी है, पिछले कुछ दिनों तो सिख कौम के बारे बहुत सारिया गल् सोशल मीडिया से नाप शाप बोलिया जा रहा है। लगातार उन्होंने खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तानी, पता नहीं की किया गया। उसनों लेके श्रोमणी अकाली दल के जे नेता ने, राज्यसभा सांसद बरविंदर सिंह पुन्नू, उन्होंने कड़ा इतराज जताया इस ऑल पार्टी मीटिंग। इस अज जी ऑल पार्टी मीटिंग थी, इनू राजनाथ सिंह प्रेजाइड कर रहे सन, तो उन्होंने सख्त इतराज जताया कि जेड़ा लोगों को सरकार पद्मश्री दे रही है वो यहोजियां अनगन गल्ला फालतू चीजा गल्ला कर रहे हैं जिन्हों का सानू सख्त इतराज है। सिख कौम वो है जिन्हें कि देश की आजादी तो पहला तो आजादी तो बाद देश लिए अपना वड़मुला योगदान पाया है, तो यह चीजा से रोक लगाई जाए जिन्होंने पद्मश्री दिते जा रहे हैं वापस लिया जाए। तो कितना कितना इशारा जरा बिल्कुल दसदा से कंगना रनौत वाल थी कि कंगना रनौत जिस तरीके फालतू चीजा गल्ला कर रहे हैं तो उन्होंने नहीं करनिया चाहिए। तो यह एक कड़ा इतराज जताया गया कि इससे एक सख्त कानून बनाया जाए। तो यह साफ हो गया कि जिसे किसानी से गल हुई उथे ही जी किसानी की आड़ के सिख कौम बदनाम करने की गल की जा रही है, उन्होंने छवि धक्का देने की कोशिश की जा रही है, उससे अकाली दल वालों अज कड़ा इतराज जताया गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बार बार इस तरह के स्टेटमेंट जो है सामने आ रहे हैं, कड़ा इतराज जाना जरूरी भी सी। तमाम अपडेट लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो तुम दस दें कि संसदीय इजलास तो पहला अहम ऑल पार्टी मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग च हिस्सा नहीं लिया।